कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी फैलने से बचाव के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को मुस्तैदी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पुलिस कार्यालय सहित सरकारी वाहनों को फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों द्वारा सैनिटाइज कराया। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड को दो गाड़ियां लखनऊ से हाइड्रोलिक युक्त 50 मीटर से अधिक दूरी तक एक ही स्थान से गली व सकरी इलाकों में भी सैनिटाइज करने की व्यवस्थाओं से सुसज्जित वाहन उपलब्ध हो जाने से पूरे शहर व कस्बों में आसानी से सैनिटाइज कर शहर को कोरोना मुक्त किया जा रहा है, जिससे शहर के किसी भी जगह में कोरोना के लक्षण हों तो सैनिटाइजर से समाप्त हो जाएँ। इस मौके पर एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी फायर ब्रिगेड डीके सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जैसा कि आपको पता ही है, कोविड को ध्यान में रखते हुए फायर सर्विस की गाड़ियां भी सैनिटाइजेशन के काम में लगी हैं, और अभी हमारे पास दो नई बड़ी गाड़ियां आई हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें स्प्रे है। पतली गलियों पर भी जाकर के हम स्प्रे कर सकते हैं, और बड़े स्प्रे भी हैं जो काफ़ी 50 मीटर तक के और बड़ी भारी मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, तो इनको भी हम आज से काम पर लगाएंगे। और ऑलरेडी फायर सर्विस की तीन गाड़ियां लगी हैं, तो हमारी लगातार गाड़ियों की बढ़ोतरी हो रही है और हम इसमें पीछे नहीं हैं। कोविड से फाइट करने में पुलिस महकमा और फायर सर्विस महकमा भी पीछे नहीं है, और प्रायोरिटी के तौर पर जो हमारा सबसे अफेक्टेड एरिया हो सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के स्थल हैं, उनको हम लगातार रोज ही सैनिटाइज़ कर रहे हैं।